हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दो साल बाद हमको और आपको शबे बारात की मुकद्दस शब को मस्जिद में गुजारने का मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शबे बारात यानी नजात व मगफिरत की रात। इस मुकद्दस शब में ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इबादत करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करें, अल्लाह के कलाम को खूब पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, उस पर अमल की कोशिश करें, अपने वालदैन के लिए मगफिरत की दुआएं करें। कब्रिस्तान आप जाएं, अपने वालदैन के लिए मगफिरत की दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए मगफिरत की दुआ करें। कब्रिस्तान डिसिप्लिन से जाएं, कोई ऐसा गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी काम ना करें जिससे दूसरी कौमों के लिए आप मिसाल बने। लोग कब्रिस्तान के बाहर गैर जिम्मेदाराना तरीके से पार्किंग करते हैं जिससे सड़कें जाम हो जाती हैं, ये नहायत ही गलत बात है। आप दूसरों की सहूलत का भी ख्याल रखें। मोटरसाइकिल पे नौजवान रात रात भर गश्त करते हैं, स्टैंडबाजी करते हैं, ये नहायत ही गैर इस्लामी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी तरीका है। नौजवानों के वालदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पर सख्ती करें, उन्हें अपने इलाके की मस्जिदों में जाने के लिए तंबीह करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुसलमानों की शबी ख़राब हो। होली का त्यौहार है, आप दूसरे के त्यौहारों का भी ख्याल रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे शहर का अमन व अमान मुतासिर हो। शबे बारात में आप हजरात ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, परेशान हालों को खूब मदद करें, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में ये अमल मकबूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फ़रमाए, परेशान हालों की मदद फ़रमाए, बीमारों को शिफा अता फ़रमाए और करोना वबा से इस आलम को नजात अता फ़रमाए।